press the bell icon for no. दुआ में तुझे याद करते हैं, सौ सौ बार करते हैं, मिले हर जन्म तुम्हीं हमको यही पर याद करते हैं। Tell us about that. You've been transforming from music to looks to everything. आई एम जस्ट ट्राइंग माई सेल्फ आउट के अलग अलग अवतार में मैं कैसी दिखती हूँ. सो आई एम जस्ट ट्राइंग दैट आउट एंड यू ऑल आर गोइंग टू टेल मी वॉट सूट्स मी मोर. सो आई फॉलो दैट फर्दर. सो मतलब प्लीज इंट्रोड्यूस योर कास्ट जो आपके साथ वीडियो में फीचर कर रहे हैं, व्हाट दे आर प्लेइंग. सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अरिश्वा आए, अरिश्वा खान. She is a TikTok star. She has a fan following of 9.4 million, right? आप बहुत ही क्यूट सी बच्ची का रोल प्ले कर रहे हैं जो बहुत ही प्यारी लगने वाली. आप अभी देखेंगे, थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करेंगे. वुड यू लाइक टू सी समथिंग आपके ऑडियंस को? आपका रोल हाउ डिड यू नो कैसा लगा? ऑफकोर्स ममता दी इतनी स्वीट है, इतनी प्यारी है, उनके साथ किसको नहीं अच्छा लगेगा काम करके. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. एंड ये बहुत ही स्वीट है, नेचर वाइज डाउन टू अर्थ है. मतलब सेट पे भी रहते तो मस्ती भी करते थे हम, काम भी करते थे, बातें भी करते थे, वीडियोस भी बनाते थे. तो लाइक बहुत मज़ा आता था, बहुत खुशी हुई उनके साथ काम करके. एंड इस सॉन्ग के बारे में कहना चाहे तो ये सॉन्ग बहुत प्यारा है. मतलब अभी तक का मेरा फेवरेट हो गया है. मैं डेली सुनती हूँ इस सॉन्ग को. एंड मेरे घर में सबको बहुत पसंद है ये सॉन्ग. इनकी आवाज़ लाइक जादू, फेवरेट है मेरी. तो मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग. एंड इस सॉन्ग में काम किया, कैरेक्टर भी बहुत क्यूट क्यूट से सबके, मेरे मंजुल जैस और इनका तो लाइक एंड एक्सप्रेशंस, मतलब किलिंग एक्सप्रेशंस है सभी के. बहुत ही प्यारा इन्होंने एक्ट किया है. आप देखें गाना तो आपको पता चलेगा कितना क्यूटनेस से भरी हुई है अरिश्वा. जितना उनके चैनल पे लगती है उससे डबल क्यूट है ये. ये बात सही है, ये बात सही है. राइट. एंड आई वुड लव टू रिक्वेस्ट जैस, ये भी आना तो संभाल. ये जहाँ जाते हैं ऐसे धमाका ही होते हैं. सो जैज भी अनदर आर्टिस्ट हैं जो कि टिकटॉक को बिलोंग करते हैं और इनकी भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है टिकटॉक पे और यूट्यूब पे भी. सो इन्होंने इतना अच्छा एक्ट किया है गाने को, बहुत ही प्यारा रोल है. एंड बाय द वे ही इज़ द वन जो टीचर के पीछे लगे रहते हैं पूरा गाने में. एंड ना तो टीचर मिलती है और जो बेचारी लड़की उनको प्यार करती है उसकी तरफ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया. तो आप अपने रोल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये मेरा फर्स्ट है तो मुझे कैरेक्टर जैसे पता चला मेरा, मेरे को इतना अच्छा लगा क्योंकि ये सब अपने अपने लाइफ में ये कर चुके हैं, मतलब फील कर चुके हैं. ये मैम लाइक सबका क्रश होता है, मैम या लड़की लोग का सर होता है कुछ भी, बट हम लोग लड़कों लोग को जो होता है ना वो मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लगा है मुझे. सीरियसली जब तुम लोग देखोगे ना मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ये मैं भी था उस टाइम पर स्कूल लाइफ में. तो बस मैं जैसा वो तब था वही एक्सप्रेशन, वही सब कुछ वैसे ही गया. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ममता मैम भी हम लोग इतनी मस्ती करते थे शूट के वक्त, तो छोड़ देते थे सब मस्ती है, ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं था. जो फ्री था मतलब नेचुरल जो था वही किए, वही था. मतलब जो स्कूल लाइफ में जो नेचुरल जो हम लोग ऐसे देखते हैं मैम ऐसे झटके से कुछ हो जाता है या तो ऐसे देख लेते हैं मैम या कुछ भी, सेम वैसी स्टोरी है. आप देखें तो बहुत अच्छा लगे आपको, बस बहुत मज़ा आ गया बस शूट करके. टिकटॉक स्टार ही क्यों, कोई और भी हो सकता था, इसके पीछे क्या रीज़न? मैंने बताया आपको कि स्कूल स्टोरी है. एंड टिकटॉक पे ज़्यादातर आई गेस कि जो बच्चे होते हैं स्कूल के वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं टिकटॉक पे. जो फॉलोअर्स होते हैं इनके वो ज़्यादातर बच्चे होते हैं. तो हमारी स्टोरी डायरेक्टली बच्चों तक पहुँचाने के लिए हमने ये प्लान किया कि टिकटॉक स्टार्स को लेते हैं इस गाने में. कांग्रेचुलेशंस ममता, थैंक यू टू यू ऑल. जय, थैंक यू अरिश, थैंक यू. लोगों के मन में आता है कि आप काफ़ी दूर थी तो ऐसा क्यों किया आपने? मतलब लाइक वाज इट अ कॉन्शियस डिसीजन टू कीप योरसेल्फ अवे? एंड आई थिंक आप देख सकते हैं मैं चेंज ओवर कर रही थी, तो इट टेक्स टाइम. तो उस वजह से भी दूर थे, प्लस कोई इंटरेस्टिंग उतना अच्छा वर्क था नहीं करने के लिए, तो इसलिए भी नहीं किया.
अभी आएगा, कुछ महीनों में आपको बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे। कहीं ये बात तो नहीं थी कि जैसे आपने जो गाने गाए थे पहले, तो उसकी वजह से लोगों ने आपको एक जॉनर में फिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको दूर होने की जरूरत थी? नहीं, मैं मुझे कभी नहीं लगता। लोग जिस चीज़ को लाइक करते हैं, आई थिंक बॉलीवुड वही उन्हें देता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि लोग मेरे डांस नंबर्स भी उतना ही पसंद करते हैं जितना मैं लोग पसंद कर रहे हैं। अभी भी फिलहाल मैंने अपने चैनल पे भी कुछ एक कवर सॉन्ग्स डाले थे जो बहुत पीपल आर लाइकिंग इट। तो मुझे अच्छा ही लग रहा है एक्सपेरिमेंट करके, और मैं कभी भी उससे भागना नहीं चाहती, मैं हमेशा डांस नंबर्स में भी रहना चाहती हूँ। मेकर्स का जो या म्यूजिक डायरेक्टर्स का जो सोचने का तरीका है, मैं वो पूछ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से क्या लगता है, कहीं ऐसी चीज़ थी कि लोगों को ऐसा लगने लगा था कि आपको एक जगह बांध दिया था उन्होंने? नहीं, बांधते नहीं है लोग। मैंने वही बताया कि जो लोग पसंद करते हैं, दे ट्राई टू गिव दैट ओनली टू पीपल, दे डोंट एक्सपेरिमेंट फास्ट। एंड आई एम वेरी न्यू टू द इंडस्ट्री, मतलब तब मैं बहुत न्यू थी और लगातार डांस नंबर्स थे, तो पीपल थॉट कि शी इज गुड इन डांस नंबर्स। बट नाउ पीपल आर ट्राइंग कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट गाने भी ट्राई करें, और अभी कुछ एक मूवीज हैं जिसमें मैंने बहुत डिफरेंटली भी गाया है, तो वो भी 3-4 महीने में या नेक्स्ट ईयर तक प्रोबेबली आपको सुनने को मिलेंगे। इस बार मुन्ना बदनाम हो रहे हैं जी, मुन्नी काफ़ी बदनाम हो चुकी है तो इस बार मुन्ना को बदनाम कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा आपको होना चाहिए था उस, मतलब आपके बिना तो ये फ्रेज ही कंप्लीट नहीं होता। बट मैं हूँ उसमें, मैं हूँ मुन्ना बदनाम, सिर्फ नाम बदला है, बट इट इज मी डेफिनेटली। कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपको लगता है? बहुत ज़्यादा। आप गाना सुनेंगे, यू आर गोइंग टू लव इट, बल्कि और ज़्यादा पावर पैक्ड है, और ज़्यादा ब्यूटिफुली क्रिएटेड है, और इसमें एक बहुत प्यारा ट्विस्ट है मुन्ना बदनाम में, जो मैं आज नहीं रिवील करने वाली हूँ, बट डेफिनेटली श्योरली आपको अक्टूबर तक रिवील हो जाएगा। मैंने परफॉर्मेंस दबंग 2 में किया था सलमान सर के साथ, तो ये ऑलरेडी हो चुका है, मैंने बोला इस बार कुछ नया है, द ट्विस्ट इज़ वेरी बिग एंड वेरी डिफरेंट। एक्टिंग से मैं बहुत कतराती हूँ, आप अगर ये गाना भी देखेंगे बड़ी मुश्किल से ये मैंने शॉर्ट्स दिए टीचर वाले, इन लोगों से सीख नहीं, हमें तो नहीं लगा, तुम लोगों से सीखा, जैज ने मुझे सिखाया, मुझे टिकटॉक चलाना नहीं आता, जैज ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया डिलीट मारो इसे, आपने क्या किया है, देन ही टॉट मी अ बिट ऑफ टिकटॉक। तो आई एम रियली बैड इन एक्टिंग एंड आई रियली सी पीपल, उनको लाइक फोन में ज्यादा सिस्टम एंड ऑल उनको नहीं आता है, तो मैं उनको, हम लोग बताते हैं उनको ऐसे ये करते हैं, जब वो करते हैं तो वो सीख जाएंगे। मेरे लिए बहुत, मुझे लगता है जो एक्टिंग करते हैं, इट्स रियली रियली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, बिकॉज आप जैसे हम गाने में एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे ये लोग फेस से एक्सप्रेस करते हैं, तो फेस से एक्सप्रेस करना आई थिंक बहुत ज़्यादा टफ है, कि मैं सोचती हूँ लेकिन एक्सप्रेस नहीं होता मुझसे, बट दे एक्सप्रेस है, सो दैट इज़ रियली अ बिग थिंग अबाउट एक्टिंग। और ममता, जैसे पहले तो क्या आप भी अभी के ज़माने की है, मतलब ये अच्छा था, नाम पे मत जाओ, ममता मैया नहीं हूँ मैं। जैसे पॉपुलैरिटी आपने गेन की थी, लेकिन आजकल की देखिए युवा लोग मतलब कितनी मेहनत करके और मतलब एकदम से कितना पॉपुलैरिटी पा जाते हैं, ये अपने आप में नया इवोल्यूशन है और रिवोल्यूशन है। बट आप मूवीज़ अगर देखेंगे, आप डिजिटली बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई अग्री टू योर पॉइंट, बट अगर आप मूवीज़ में देखेंगे तो अभी भी वही गिने चुने नाम है, अगर मेलो का नाम आता है या आइटम का नाम आता है या डांस नंबर का आता है या सैड सॉन्ग का आता है, तो देर आर लाइक 5-6 पीपल जिनका नाम आता है और जिनके गाने आते हैं मूवीज़ में। न्यू कमर्स आई थिंक डिजिटली बहुत ज़्यादा टैलेंट अप आया है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि कुछ एक लोग तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आई पर्सनली लाइक सम पीपल, सो दैट्स अ गुड थिंग, बट बॉलीवुड आई थिंक अभी भी अपना सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप मुझे बताएंगे आप दोनों कि ये जो आपका जो प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या अट्रैक्शन है जो मतलब लोग इसको इतना ग्रैब अप कर रहे हैं और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लाइक लोग और जैसे उनके ड्रीम्स होते हैं कि वो इंडस्ट्री में जाए, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे हमारा टैलेंट शो कर सकते हैं एंड हम आगे बढ़ सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए, तो लोगों को बहुत हेल्प मिलती है लाइक इस ऐप से, ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जहाँ पर लोग अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, तो वैसे एक टिकटॉक है जहाँ लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा। एंड आई अग्री टू दिस, बिकॉज मैंने टिकटॉक ही देखा था जो मैंने जैज़ को मिला, मैंने टिकटॉक देखा था जो मैं हरीश
लोगों को मिली हूँ एंड दे आर अमेजिंग आर्टिस्ट. एफर्ट लगता है एक्चुअली, क्योंकि एक्ट रियल लगना चाहिए. लाइक हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो वो एक्सप्रेशन, वो टाइमिंग, मतलब वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी वीडियो परफेक्ट लगता है. नहीं तो फिर ऐसा लगता है हाँ पब्लिक ऐसे फिर स्वाइप कर लेती है, ऐसा हाँ ठीक है जाने दे. जो अट्रैक्शन वाला वीडियो है तो उसको मेहनत ही करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे कुछ भी ऐसे बना दिए उसको. हम अगर स्टोरी एंड कंसेप्ट वीडियोज बनाते हैं तो उसमें थोड़ी मेहनत भी लगती है, थोड़ा टाइम भी लगता है, तब जाके वो इतनी अच्छी सी बनती है. बट ऐसी हम नॉर्मल जो गाने की बनाते हैं वो जल्दी जल्दी बन जाती है. तो सबकी अलग अलग होती है. कई लोग बहुत रिस्क लेते हैं, तो आपको लगता है सेफ मतलब करना चाहिए? क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं. हाँ वही तो, ये नहीं करना चाहिए. नहीं रिस्क हाँ, मतलब बोलो बोलो नहीं 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 सच में नहीं लेना चाहिए एक्चुअली. जो मतलब अपने खुद के लिए सेफ हो वही चीज़ करो. मतलब ज़्यादा तुम कोई पहाड़ पे चढ़ जा रहा है या तो कोई कैसे भी स्लोमो के लिए या कुछ भी ट्रेंड के लिए कुछ भी करते हैं आजकल के बच्चे, तो ये नहीं करना चाहिए. जो भी सिंपल है अपना, मतलब तुम्हारा जो स्किल है, ऐसा नहीं कि तुम एक्टिंग करो. अगर तुम फिटनेस में हो या तुम फुटबॉल प्लेयर हो, कुछ भी अपना डांस हो, तो ऐसे अलग अलग स्किल के कैटेगरीज होते हैं, उसमें भी तुम लोग वीडियोज़ बना सकते हो. तो उसमें ट्राई करना, ऐसे अलग जो ट्रेंड चल रहा है उसी के पीछे सब भागते हैं, ऐसा नहीं. जो तुम जो वही बताओ, जो तुम्हें वही बताओ. कई बार जो हम लोग इन दिनों में देख रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी विवादास्पद हो जाती हैं. डू यू थिंक पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल पुटिंग अप द थिंग्स, कि मतलब इट शुडंट बी समथिंग व्हिच हर्ट्स द सेंटीमेंट्स ऑफ पीपल, बिकॉज दीज थिंग्स आर हैपनिंग नाउ. थोड़ा सा हाँ जिम्मेदारी होना चाहिए. बिकॉज टिकटॉक बनाते वक्त कुछ भी अपलोड नहीं करना चाहिए. हाँ सही कह रहे हैं. बिकॉज अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो हमें ऐसी वीडियो बनानी चाहिए कि लोग जब हमारी वीडियो देखें तो वो भी वही काम करें. अगर हम उनको कुछ गलत दिखाएंगे तो वो लोग वो देखेंगे, वो भी वही गलत काम करेंगे. तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें उससे बचना है. हमें अच्छी वीडियोज़ बनानी है और एक ऐसी वीडियो स्टोरीज बनानी है जिससे लोग मतलब अच्छी अच्छी स्टोरी जो लोग फॉलो करें और अच्छे काम करने लगे, लाइक लोगों की हेल्प करें एंड ऑल. बट अगर हम पहाड़ से कूदना, पानी में डूबना, ये सब वीडियो खतरे वाली बनाएंगे तो इससे हमें भी प्रॉब्लम होगी एंड सामने वाला जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होगी. और क्योंकि आप लोग समाज के नए लोगों को इफेक्ट करते, तो सेंटीमेंट्स का बहुत रिलीजियस सेंटीमेंट्स, ये चीज़ें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए. ये तो होना ही चाहिए. मतलब जो कुछ हम लोग बना रहे हो सेंसिबल, मतलब जो कुछ भी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं तो वो एक बार मतलब सोच लेना चाहिए या सामने वाले का. अभी इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं, सामने वाले लोग बच्चे जो इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब वो देख के भी वही सोचते हैं, फिर उन लोग के माइंड में वही चलता है. तो ये नहीं करना चाहिए. जो हम लोग क्या करने आए, इंटरटेन कर रहे हैं, तो इंटरटेन ही करो. मतलब लाइक जो भी स्किल वगैरह है वही सब करो, बाकी ये चीज़ में नहीं करना चाहिए. ममता आपको पता है, ममता ये जो चीज़ें थी अभी बहुत बड़ा मतलब थोड़ा सा मतलब लोगों की मतलब चीज़ों ने काफ़ी अनकंफर्टेबल रूट ले लिया था. जैसे अभी एजाज खान भी थे, उन्होंने भी ऐसा कर दिया, फिर चीज़ें और अनकंफर्टेबल हो गई. यू आर पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, डू यू थिंक एक्टर्स ये जो मतलब हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन दिस टर्म्स? ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बनती है जब आप कैमरे पे हों, पहली बात. तो दूसरी बात, हर इंडिविजुअल फ्री है, यू कैन नॉट गाइड एनीबॉडी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सबकी अपनी चॉइसेस होती है, तो कुछ लोगों ने अपनी चॉइसेस बनाई. बट आई फील जब भी कुछ भी हम अपलोड करें तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे चेक कर लें अच्छे से और उसके को एंड प्रॉन्स जान लें कि ये किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है. और सबसे पहले हमारे लिए इसका क्या है कि हम जिस चीज़ के लिए बोल रहे हैं उसके लिए हम कितने तत्पर हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए कुछ भी अपलोड करना चाहिए. आप इसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ, जैसे द केस व्हिच हैपेंड विद द एक्टर लाइक व्हिच हैज बीन लेकिन हैज बीन टेक अ वेरी सीरियस इम्प्लिकेशंस, इस पे आप कुछ कहोगे? मैं तो यही बोलूँगा, अगर जो हम लोग चीज़ चला रहे टिकटॉक तो सिर्फ इंटरटेन करने के लिए चला रहे, तो वही चीज़ में ध्यान दो. मतलब जो दूसरे चल रहे माहौल में वो चीज़, मतलब लोगों को क्या चाहिए, इंटरटेन चाहिए ना. जब आप तुम आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो वही चीज़ चाल डालना चाहिए. बाकी के सब चीज़ों में ध्यान देना ही नहीं चाहिए. सब मतलब अच्छी अच्छे एग्जांपल्स सेट करना चाहिए. अच्छे जो होंगे वही. सही बोल रहा हूं? आप एकदम सही बोल रहे हो. आप क्या बोल रहे हो? आप भी कुछ बोलो. तो हम जो भी अपलोड कर रहे हैं वो हम इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि सामने वाले देखें एंड हैप्पी हो. तो ज़रूरी नहीं कि कुछ भी करो, अच्छी चीज़ें करो ताकि लोग देखें और वो भी अच्छा काम करें.
एंड या बुरी चीजें मत करो ताकि सामने वाले भी लाइक वैसे हो जाए. कितने इंटेलिजेंट हो आप. थैंक यू सो मच. वेट 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 कितना देखो आपकी देखो आपने इतने प्यारी तरह से बोला कि लाओ एक्सरसाइज योर वोकल कॉर्ड्स जरा आप इनकी हेल्प करिए स्विंग इट इन अ वेरी मेलोडियस. आई एम नॉट वेल आई एम नॉट मैं बहुत पुराना आए हैं जिस दिन से शूट हो रहा है उस दिन के पहले से जब से मैंने उन्हें ऑडियो सुनाया है तब से वो गा रही हैं गा गा के उन्होंने अपना गला दिस इज द रीजन कि वो बोलने में बहुत ज्यादा असमर्थ हो रही हैं. मुझे बहुत जान लगानी पड़ी है बोलने तीनों गाएंगे बिकॉज मैं गाऊंगी तो बहुत बेसुरी हूँ यहाँ फट जाएंगे सबके कान. नहीं यार थोड़ा लाउड होना चाहिए. नहीं नहीं तीनों फॉलो करेंगे. थ्री टू वन. मैं चाहूँ तुझे किसी और को तू चाहे यारा अब प्यार नहीं होगा हमसे फिर दोबारा प्यार तुझे करते हैं हम इतना सारा एक जन्म है क्या सौ जन्म भी है तुझ पे वारा. आगे के लिए आपको थोड़ी देर बाद देखना पड़ेगा इसलिए. हाँ ओ, मैं सुनाने वाली थी. मैंने तो सुना ही नहीं. हिस्टोरिकल डुओ टुगेदर एक्चुअली ममता शर्मा एक ऐसा नाम है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स फुल बंडल ऑफ सरप्राइजेज यू नो बिकॉज शी हैज़ सिंस द टाइम आई नो हर और जब से इनके साथ गाने करना चालू किया मतलब एक कमाल की एनर्जी शी ब्रिंग्स व्हेन शी कम्स टू सिंग सो और मैं हमेशा इनके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ. मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी गाना गाएँ या ये भी गाना गाएँ तो जो भी गाने इन्होंने गाए हैं मतलब ये ऐसा है कि अभी तक के जितने गाने गाए हैं वो सारी पार्टी की जान है. तो फुल ऑन पार्टी अगर करनी है तो ममता शर्मा के गाने बजाने ही पड़ते हैं आपको. ममता शर्मा के गाने विद साजिद वाजिद पसंद बोल रहे हैं तो शी इज ब्रिलियंट सिंगर एंड विथ अ वेरी यूनिक टोन स्टाइल यू नो बिकॉज ऐसे बहुत कम लोगों का टोन होता है. तो मैं यही कहूँगा कि आज इनका सिंगल लॉन्च हो रहा है वन म्यूजिक ओरिजिनल्स पे विद सच ब्यूटीफुल पीपल इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मैंने गाना देखा है सुना भी है और मुझे बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ममता एंड बैड ऐश बिकॉज यू गाइज आर रियली वर्किंग हार्ड एंड बहुत अच्छे अच्छे गाने कर रहे हैं. ममता के जो ओरिजिनल्स भी हैं और ममता के जो वर्जन्स भी आते हैं वो सब मैं सुनता हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं. एक अच्छी बात है बिकॉज शी इज़ ट्राइंग समथिंग न्यू इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर हर वॉइस इन अ डिफरेंट स्टाइल. सो एक आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा यही एक्सप्लोर करता है कि मैं कुछ नया करूं तो क्या बात बनेगी. तो बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छा सरप्राइज आ रहा है. इनके सिंगल्स तो चलते रहेंगे उसके साथ साथ दबंग 3 भी आ रही है. तो ममता को मैंने गाना गवाया उसके अंदर तो वेट एंड वॉच आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे. फिर धमाल करेगी फिर पार्टी की जान बन जाएगी. मैं चाहता हूँ सब लोग मिल के दुआएँ करें कि ममता का ये सिंगल और आप लोगों का ये सिंगल कामयाब हो एंड यू गाइज हैव अ फुल सक्सेस स्टोरी. थैंक यू वेरी मच. उस पार गर्ल्स स्कूल था तो वहाँ से चढ़ के तो हमने बार बार फुटबॉल वहाँ मारे फुटबॉल से याद आया होगा. अरे बास्केटबॉल से आपको टीचर तो होगी ना टीचर नहीं दी क्या आपको जान के बहुत है. अभी होगी कि ये हमारा इंडिया है और इंडिया में एमपी है. एमपी के अंदर एक स्कूल है कॉल्ड एमराल्ड हाई इंटरनेशनल स्कूल व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल. आप देख सकते हैं सच ब्यूटीफुल लुकिंग स्कूल यार. मतलब मैं जेलस हो गया मेरा पूरा हैरी पॉटर वाला फील आ रहा है. हां मैं तो मैजिक करता हूं. अरे यार मैं खाता था ना फिलहाल नीचे कर लाइट कहाँ से शूट कर रहा है कैमरे सर पीछे बस. अरे अरविंद को हाथ हटा रहे हैं.
यहाँ आए तमाम लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी बधाइयाँ, और सबसे खुशी इस बात की है कि ममता शर्मा, जिनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, बहुत कमाल की गाती हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं, और बहुत ये वीडियो देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि सचमुच ममता बहुत कुछ डिजर्व करती है। सिंगिंग तो है या सिंगिंग के साथ लिखा भी बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ, और मेरी तहे दिल से अभी समीर सेन को दूंगा तो सुनिएगा उनकी बातें, मैं ख़त्म कर लूँ तो मेरे ख्याल से आज के इस मौके पे इससे ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। केवल बधाइयों के सिवा मैं और कुछ नहीं दे सकता हूँ, मगर मैं दिल से दुआ करता हूँ कि बहुत बड़ा हिट होना चाहिए एल्बम, बहुत मेहनत की है और इस जनरेशन को बहुत पसंद आएगा ये रंग, और ख़ासतौर से फ्रेंडशिप डेक पे रिलीज़ किया जा रहा है एक, इसके साथ ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ममता, गॉड ब्लेस यू, एंड दिस इज द वन ऑफ द योर बेस्ट वीडियो आई एम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो जितना मज़ा आई गेस शूटिंग करने में आया, लाइक जो मस्ती थी, लाइक हम लोग आई गेस मैं रिश्वा से पहली बार मिला था, जैस से पहली बार मिला था, एंड जो बॉन्ड ये दो दिन में बन गया था आई गेस दैट इज फैबुलस, कि हम लोग लिटरली वहाँ पर जो है शूट के टाइम पे खेल रहे थे, लिटरली बास्केटबॉल का सीन था जो उसमें है, बास्केटबॉल का जो सीन था जहाँ पर हम लोग खेल रहे थे। ओके हम शॉर्ट लेने से पहले आधा एक घंटा खेल ही रहते ऐसे अपना मजे ले रहे हैं, खेल रहे हैं, एंड दीज पीपल वर लाइक सो फ्रेंडली कि मतलब कोई रोक टोक नहीं, बड़े प्यार से समझाना हर काम, कहाँ पर रीटेक्स आ रहे थे तो वहाँ पर भी बड़े प्यार से समझाना, सो इट वॉज ओवरऑल लाइक एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू। तालियां रुकनी नहीं चाहिए गाइस, बैक बैक ब्यूटीफुल, पीछे लेना ममता मैम, मैम भी पीछे मैम, एंड पीस में पीस बैक पीछे जाने, हां सर पीछे, दादा पीछे लेना, सभी सेंटर लोग, सेंटर 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 बस बस नीचे थोड़ा सा नीचे, ममता मैम सामने देखिए मैम, क्या कर रहे हैं सर, सेंटर सेंटर छोटा चूहा, तो इन दोनों के मैंने नाम रखे हैं और ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, दो दिन में हम लोग को इतना मजा आया, इतने अच्छे से हमने शूट किया, लग ही नहीं रहा था कि हम शूट करने गए, ऐसा लग रहा है हम घूमने गए हैं, क्योंकि वहाँ पे हम शूट का खेल ज्यादा रहते थे, हमारे जो सीन्स थे क्लासरूम वाले वहाँ पे हम पेंटिंग कर रहे थे और सीन चल रहा है, अरे अरे सीन चल रहा है, बुक छुपाई पट्टा सीन कर रहे थे, अरे हम लोग ने इतना मजा किया, इतना मजा किया, सीरियसली बहुत मजा आया शूट करके, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, एंड आई होप आउटफिट भी बहुत अच्छा है इसका, एंड सब लोग उतना ही प्यार दे सॉन्ग को जितना आप लोग हम सबको देते हो, बस इतना ही कहना था, थैंक यू सो मच, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये सबके लिए, और ये सबको रिलेट करता है स्कूल में, तो सबके साथ ही होता रहता है,
शॉक्ड मोर देन हैप्पी क्योंकि ममता के साथ हमने जो अभी तक जो भी गाने किए हैं और जो ममता ने गाने किए हैं वो दे आर द बिग आइटम पार्टी सॉन्ग्स ऑफ द कंट्री एंड शी इज़ कमिंग इन सच अ डिफरेंट अवतार. इतनी ब्यूटीफुल मेलोडी, इतना कमाल का वीडियो एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर. बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट साइड देखा हमने. ऐसा लग रहा है कि एक्शन हीरो ने एक जैसे रोमांटिक पिक्चर कर ली हो वैसा ही इनकी एक नया रंग देखा है. एंड व्हाट अ गुड मेलोडी. एज अ कंपोजर वी कैन टेल यू दिस वन ऑफ द फाइनेस्ट मेलोडीज. तभी गाने से हमने शुरू करा कि बिल्कुल रूह से निकली हुई मेलोडी है. और यंगस्टर्स जो स्कूल में इन्होंने शूट करा है वेरी नाइसली डन. बड़ी मेच्योर कॉम्पोजिशन में यंगस्टर्स दिखाए हैं तो आई थिंक दैट्स अ डिफरेंशिएटर. बहुत अच्छा लगा. आपको खबर देना चाहिए कि इन्होंने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर ये सारा कुछ तैयार किया इन्होंने. कैसा लग रहा है? नहीं, ये तो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो एकदम लास्ट मिनट होती हैं. बहुत ज़्यादा जो प्लानिंग होती है वो किसी काम नहीं आती. सो दैट्स रियली गुड. और वो दिख रहा है कि कितना उसमें दिल से बनाई गई चीज़ है. एंड वेरी गुड फॉर इंडिपेंडेंट म्यूजिक. इतना ज़बरदस्त काम आ रहा है. एंड देयर सच लवली यंगस्टर्स इन द वीडियो. देयर लुकिंग वेरी नाइस ऑल थ्री ऑफ देम. शोर शॉर्ट ब्लॉकबस्टर गाना है. और जहाँ तक स्पीड का सवाल है, एक हफ्ते का सवाल है, हम लोग ग्वालियर से हैं और हमें मालूम है ग्वालियर वालों की स्पीड बहुत फास्ट है. तो करेक्ट टाइमिंग है, एक हफ्ते में ही ऐसा माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट बनना चाहिए. एंड एक और नई चीज़ है, वो मेरी मेलोडी गा रहे हैं और मैं कल से उनके नया सॉन्ग गा रही हूँ जरूरी. जो अभी रिलीज हुआ है हमारा एमबी म्यूजिक पे, अभी रिलीज हुआ है गाना जरूरी है पापुन के साथ, वो मैं कल से गा रही हूँ. और अभी इन्होंने जब मुझसे गाना पूछा, मैं मेरे गाने का लिरिक्स भूल के इनके गाने का लिरिक्स गा रही थी. और कमाल की बात ये है कि हम लोग भी मोस्टली पार्टी सॉन्ग्स के लिए जाना जाते हैं, बेबी डॉल, चिड़िया कहलाइयां, और हम लोग सब अभी रोमांटिक गानों में. ममता ने इतना अच्छा एक रोमांटिक गाना गाया और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करी. वो आई मिस यू देख के जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिए, मेरे आंखों में आंसू आ गए. नहीं, सीरियसली, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए. बहुत हीरो का दिल तोड़ा, बहुत बुरा लगा मुझे. और सिर्फ एक 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 बात का बहुत दुख हुआ है, एक बात का बहुत गम है. मंजुल है पीछे. एक सबसे सैड बात ये कि मुझे जब मैं स्कूल में था मेरी कोई इतनी हॉट टीचर नहीं थी. तो ये मंजुल, जायज एंड अशरीफा वेरी लकी दैट दे हैव सच अ हॉट टीचर इन द वीडियो. थैंक यू सो मच पारुल जी. थैंक यू. She's very down to earth, all down to earth, and like very sweet as well.
कि मैं फर्स्ट टाइम मेरा सो शी वॉज लाइक शी वेलकम्ड मी लाइक बहुत अच्छे तरीके से एंड मेरे को बहुत स्वीट जैसे लगा उनका एंड आई वुड जस्ट से शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि हम लोग फिर से काम करेंगे. पूरी टीम के साथ सी ममता मैम के बारे में बोल दिया, बरिश्वा के बारे में बोलूंगा, ये छोटी सी है, चुलबुली सी है, मस्ती करती रहती है, बच्ची है बेसिकली, शी इज अ किड. वो उसे अच्छा रोल मिला है कि स्कूल किड का रोल मिला है. और अपना जायज भाई जो है अपना पूरा स्टंट दिखाया है उसमें बहुत बढ़िया टाइप बैड बॉय टाइप जो कि वो असलियत में नहीं है ये. सो बहुत अच्छा लगा मेरे को दोनों के साथ काम करके एंड हम इस बार अब नेक्स्ट चीज सबकी आनी चाहिए एक साथ में. ममता जी गाना बहुत ही अच्छा है और आपने सभी कलाकारों को एक साथ ला के कितना मतलब कुछ डिफिकल्टी आएगी नहीं आपको? बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आई, करनी पड़ी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक हफ्ते के अंदर और इतना शॉर्ट नोटिस पे. आई थिंक जैज़ ने गाना सुना भी नहीं था एंड मंजुल को रात को गाना मिला था. मेरे को रात को गाना मिला था, नेक्स्ट डे आई लाइक फ्लू टू इंदौर. And he was so sweet, he was coming for one day shoot, हमने दो दिन शूट करना था तो फिर थोड़े दो घंटे बाद फोन आता, नहीं मैं दोनों दिन करूँगा, फिर थोड़ी देर बाद फोन आता, नहीं मैं पूरे क्रू के संग ही जाऊँगा. सो आई वॉज लाइक सो वेरी हैप्पी कि दीज पीपल आर सो स्वीट एंड नाइस टू वर्क विद. एक एक टेक में इनका टेक डाउन हो जा रहा था, सबका तो रीटेक मेरा ही हो रहा था. सो आई वॉज लाइक सो वेरी हैप्पी टू हैव दिस टीम विद मी, सीरियसली आई लव्ड वर्किंग विद दीज गाइस, बहुत ही प्यारे. मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी डिफिकल्टी नहीं होता है अगर दे अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के पीछे की जो मैडनेस होती है वो आई थिंक हम सभी में थी. हम लोग सब मेकिंग आएगा बहुत जल्दी, यू कैन वॉच इट कि कितना हमने वहाँ पे तंग किया है हमारे प्रोड्यूसर साहब को, हमारे डायरेक्टर साहब को. एंड बाय द वे डायरेक्टर साहब वो हैं जो लास्ट शॉट में आते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और एक्टर बचा नहीं था, कोई भी नहीं था. रिच होती तो रिच को कैप पे जाके, बट हमारे पास डायरेक्टर साहब ही बचे थे जो बेचारे कैप पहन के आए हैं और गले लगाए हैं. आई वुड लव टू कॉल हिम आल्सो, डायरेक्टर साहब. सो बहुत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई एंड आई डोंट थिंक किसी के साथ दिक्कत होती है इफ द प्रोजेक्ट इज गुड, इफ एवरीवन इज सो पॉजिटिव अबाउट द प्रोजेक्ट. बॉलीवुड को रणवीर और रणवीर मिल चुके हैं मतलब. डेफिनेटली. और टिकटॉक को मंजुल और चैज मिल चुके हैं. और आशिका जी दीपिका नहीं हाइट में आलिया हो सकती है. दीपिका तो ये हाइट में देखो दीपिका इज हियर. नहीं नहीं बाबा मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, यू हैव फॉरगॉटन मी. जी 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 ये यही बोल रहा था, बोले मैम जरा घूम जाओ, मैम जरा दुपट्टा उड़ाओ. ही वॉज देयर ओनली, ही वॉज थिंकिंग आई एम सुष्मिता सिन्हा. आई सेड देखो आके खोलो चश्मे में, कभी फ्रेम भी लगा लो, इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा था. Yes, yes, definitely. We are planning two more good dance number videos and one sad romantic song again. So you are going to get very, very good numbers for sure and very good stories along with it. For sure.